एसटीएफ को बाजार में नकली नोट चलाने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली नोट चलाने वाले आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने 9.5 लाख के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी नोट 2000 रुपये के हैं। इससे पहले भी ये गिरोह जुए सट्टे में कई नकली नोट बाजार में चला चुका है। नकली नोट कहाँ से आए, इस संदर्भ में एसटीएफ द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक गीतेश कुमार गर्ग द्वारा इस तरह के आपराधिक प्रकरणों पर टीम बनाई गई, जिसमें एसटीएफ के मुखबिर की सूचना पर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर रवि मालवीय द्वारा नकली नोट चलाने की जानकारी प्राप्त हुई। रवि से पूछताछ करने पर उसने बताया कि शाकिर और आदिल निवासी सेंधवा से नकली नोट लाए थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को 9.5 लाख के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे, साथ ही नकली नोट बनाने वालों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। 2 सातों लोगों को गिरफ्तार किया है जो नोट छापते थे, और साथ ही उनसे खरीदने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी हैं श्रीराम गुप्ता और सुनील पाटिल। ये कंप्यूटर और प्रिंटर की मदद से नोट छापते थे, और उनमें जो सिक्योरिटी थ्रेड है उसको भी इम्प्लांट करते थे, और वाटरमार्क के इम्प्रेशन हैं वो भी उस पर बना लेते थे ये। दूसरे जो 2 आरोपी हैं, के आनंद और किरण सोनकर, इन्होंने इनसे नोट खरीदे थे और ये 30-40% की कीमत में नोट मार्केट में खपाते थे या जैसा भी इनको ग्राहक मिल जाए। तो कुल इनसे 9 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं, और जो ख़रीदार हैं उनमें से किरण सोनकर ने 1 लाख रुपए के नोट लिए थे और के आनंद ने 2 लाख रुपए के, तो उसके एवज़ में जो इन्होंने 1 लाख रुपए असली नोट दिए थे वो भी जब्त किए। इसके अलावा इनसे काफ़ी सारे मोबाइल जब्त हुए हैं, और ये इंदौर में कृष्णकुंज कॉलोनी है, वहाँ श्रीराम गुप्ता मकान किराए से लिया हुआ था, वहाँ पर ये बनाते थे। उनके वहाँ से पूरा ये बनाने का सामान, प्रिंटर, लैपटॉप और बाकी डाई वगैरह, कागज़, सारा सामान उसमें जब्त किया है। और सुनील गुप्ता जो है, श्रीराम गुप्ता और सुनील पाटिल, इन दोनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। काफ़ी लंबे टाइम से ये इसका जाली नोटों का काम कर रहे हैं। सुनील गुप्ता बड़ौदा में पहले बंद हुआ था, वहाँ से पैरोल पर रिहा हुआ है और फरार है, उसके खिलाफ उस पर मुकदमा कायम। आरबीआई के जो नोट सकते हैं उनमें इन नकली नोटों में कितने सिमिलर फीचर्स हैं, अब ये तो हम जांच कराएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल काम है कितने फीचर सिमिलर हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर काफ़ी कुछ असली जैसा महसूस होता है।